Dear student, of class 5th, your 4th chapter, simplification. In this chapter, we will learn about demesh and bond mesh. What is demesh? Demesh stand, D stand for division. M stand for multiply. A stand for addition. S stand for subtraction. In this chapter, when we solve any question, first we solve divide, then multiply, after addition, and in the last subtraction. As we understand clearly with example, your example is -92 divide 7 into 3 plus 40. We solve divide 42 7. फर्स्ट हम इसको सॉल्व करेंगे. 95 minus 7 6 42 into 3 plus 40. डिवाइड के बाद हम मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे. हम देखते हैं कि ये मल्टीप्लाई है, तो 95 minus 18 plus 40. इसके बाद ऐड करेंगे, ये पॉजिटिव साइन और 40 पॉजिटिव साइन के साथ है, इन दोनों को ऐड कर देंगे. 95 and 40 is equal to 135 minus 18. तो लास्ट में सब्ट्रैक्ट करेंगे 117. इट इज़ योर आंसर. अंडरस्टैंड? बॉड मैश बी स्टैंड फॉर ब्रैकेट्स. O stand for off, D stand for divide, M stand for multiply, A stand for addition, S stand for subtraction. So this type you can solve any question. First we solve brackets. What is bracket? There are three types of brackets. First bracket, small bracket, second curly brackets, third bracket is square या बिग ब्रैकेट्स. व्हेन वी सॉल्व एनी क्वेश्चन यू विल बी रिमेंबर, फर्स्ट वी सॉल्व ब्रैकेट्स. इन द ब्रैकेट फर्स्ट वी सॉल्व स्मॉल ब्रैकेट्स, देन कर्ली ब्रैकेट्स, एंड इन द लास्ट स्क्वायर ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट. इन दिस ब्रैकेट इफ किसी भी क्वेश्चन किसी भी ब्रैकेट्स के अंदर अगर साइन है, तो सबसे पहले हम डिवाइड को, फिर ऑफ डिवाइड को, फिर मल्टीप्लाई को, फिर एडिशन को, फिर सब्ट्रैक्शन को करते हैं. तो स्मॉल ब्रैकेट कंप्लीट होने के बाद ही हम कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, और कर्ली ब्रैकेट के बाद लास्ट में स्क्वायर या बिग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं. इस तरह दिया कोई भी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं. ओके, थैंक यू.